एलटीए गवर्निंग बॉडी का इजलास कल बरोज जुमेरात को होगा। इजलास की सदारत वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार करेंगे। इजलास का एजेंडा क्या होगा, जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख जैन से। जी शेख जैन, बताइएगा। इतना मुनीर, ये जो नई हुकूमत आई है, उस नई हुकूमत में पहली बार एलडीए गवर्निंग बॉडी का जो बजट इजलास है वो कल होने के लिए जा रहा है। बरोज जुमेरात ये इजलास वजीर आला सेक्रेटेरिएट में होगा और इस इजलास की सदारत वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार करेंगे। और इसके अलावा इस इजलास में वाइस चेयरमैन एलडीए एसएम इमरान समेत डीजी एलडीए आमना इमरान खान, एलडीए के दीगर अफसरान और जो नए नौ मुंतखब मेंबर गवर्निंग बॉडी है वो इसमें शिरकत करेंगे। इजलास में एलडीए वासा और टीपा का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में जो बजट का तखमीना लगाया गया उसके मुताबिक एलडीए 12.5 अरब रुपए का बजट गवर्निंग बॉडी से मंजूरी के लिए पेश करेगा। इसी तरह वासा भी 16 अरब रुपए का तरक्याती और गैर तरक्याती बजट कल गवर्निंग बॉडी से मंजूर करवाएगा। इसके अलावा जो इसका एजेंडा तैयार किया गया उसके मुताबिक शहर लाहौर में जो पानी के सार्फीन हैं उनका पानी का टैरिफ बढ़ाने के लिए वासा इजलास में वर्किंग पेपर पेश करेगा और इस अमर के और गवर्निंग बॉडी से इसकी मंजूरी लेने के लिए अपने दलाइल भी देगा। इसके अलावा एलडीए ह्यूमन रिसोर्स और ऑडिट पर सब कमेटी बनाने की सिफारिश करेगा, जबकि इस वक्त शहर लाहौर में जो मंजूरी के लिए बजट पेश किया जाएगा। शुक्रिया शेख जैन, आपने तफसीलन आगाह किया।